आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नवंबर में होगा। इस समय अध्यक्ष पद के दावेदारों की लिस्ट में जय शाह सबसे आगे चल रहे हैं। जय शाह के पास आईसीसी अध्यक्ष बनकर इतिहास रचने का गोल्डन चांस होगा। वैसे जय शाह ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो आईसीसी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं या नहीं। शाह के पास चुनाव में एक बार सबका फायदा लेने का चांस है। जय शाह ने इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं या नहीं। ये पद अभी न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के पास है, जो पिछले 4 सालों से आईसीसी के अध्यक्ष हैं। बार्कले को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव समर्थन का ये पद मिला है। बार्केल एक और कार्यकाल के लिए अभी योग्य हैं और उन्हें भी शायद जानी रखने में कोई दिलचस्पी होगी। लेकिन अगर जय शाह चुनाव लड़ते हैं तो बिना किसी विरोध के उनकी जीत निश्चित है। अगर जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसके बाद वो बीसीसीआई के संविधान के अनुसार 2028 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होंगे। इंटरनेशनल मीडिया में शाह की आईसीसी में संभावित भूमिका और उसके मुख्यालय का दुबई में मुंबई शिफ्ट करने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ऐसे में कोई कदम उन्होंने एजेंट नहीं बताया है, लेकिन माना जाता है कि वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हाल ही में हुए T20 विश्व कप के अस्त व्यस्त आयोजन को देखने के बाद आईसीसी में बदलाव ला सकते हैं। 35 साल से जय शाह अभी क्रिकेट के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में शामिल है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री मारी थी, तब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा थे। बता दें कि शाह बीसीसीआई में साल 2015 में एंट्री हुई थी। इससे पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। 2019 में जब सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष बने, उसी समय शाह ने भी बतौर सचिव जिम्मा संभाल लिया था। तब से लेकर अब तक वो इस पद पर बरकरार हैं, जबकि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रोजर बिन्नी को मिल चुकी है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।